सुबह के नाश्ते में घर में सभी लोगों का अलग अलग फरमाइशें होती है। किसी को उपमा पसंद है और किसी को इडली और किसी को वड़ा पसंद है। अब कैसे सबका फरमाइशें एक साथ में पूरी करें? औरत को दुनिया में दुर्गा माँ के रूप में माना जाता है। सुबह के भागम दौड़े में ऐसा लगता है कि काश ये बात सच हो जाए। हमें भी चार पांच हाथ हो जो सब काम सबका फरमाइशें चुटकियों में पूरा करे। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, पर इसके अलावा मेरे पास एक हल है। चार पांच हाथ तो नहीं आएगा, हाँ, पर एक रेसिपी से आप 10 से भी ज़्यादा झटपट नाश्ता ज़रूर बना सकते हैं, और वो है मल्टीपर्पज़ ब्रेकफास्ट मिक्स। नमस्कार दोस्तों, हबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल, चुटकी भर हिंग, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा कड़ी पत्ता, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, और इसे भून लेंगे। जब राई चटक कर दाल सब सुनहरा रंग में बदल जाए, तब हम इसमें 10 कटा हुआ काजू डालेंगे और इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। जब काजू सब सुनहरा होने तक भुन जाए, तब हम इसमें 4 कप सूजी डालेंगे और इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। रवा को धीमी आंच पे भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सारे रेसिपीज अच्छे से बन जाए। हमारा झटपट ब्रेकफास्ट मिक्स तैयार है। अब इसे कुछ रेसिपीज बनाएंगे। पहले बनाते हैं उपमा। 1 कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से उबालेंगे। पानी उबालने के बाद इसमें 1 कप हमारा ब्रेकफास्ट मिक्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इस तरह लगातार चलाते हुए मिलाएंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियां ना बने, और इसे ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस भी डालेंगे और अच्छे से सारे चीजों को मिला देंगे। लीजिए, बन गया उपमा मिनटों में तैयार। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल उपमा बनाया है। आप चाहो तो इसमें प्याज सब्जियाँ वगैरह डाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं रवा इडली। इसके लिए 1 कटोरी में 1/2 कप ब्रेकफास्ट मिक्स लेंगे और इसमें 1/4 कप दही डालेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। रवा अच्छे से दही को सोख लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल गया है और गोल भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच इनो डालेंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे मिला देंगे। अब इनो डालने के बाद इसे ज्यादा देर नहीं रखना है। हमारा इडली स्टीमर भी तैयार है। अब घोल को चिकना किया हुआ इडली के सांचे में डालेंगे और इसे स्टीमर में रखेंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हमारा रवा इडली बिल्कुल तैयार है। ना चावल भिगोने का टेंशन, ना फर्मेंट करने की टेंशन। अब चलते हैं रवा वड़ा की तरफ। पहले 1 कटोरी में 1 कप ब्रेकफास्ट मिक्स लेंगे और इसमें 1/4 कप दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे और 1/2 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। दही और पानी अच्छे से रवा में घुल गया है।
अब इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी सब पानी को अच्छे से सोख लिया है और मिश्रण भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और सिर्फ 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे सोडा को एक्टिवेट करने के लिए और हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे। वड़ा के लिए घोल तैयार है। हाथों को चिकना करके मिश्रण से छोटा सा गोले लेके इसे हाथों से थोड़ा चपटा करेंगे और उंगलियों से इस तरह बीच में छेद करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब एक एक करके वड़ा को तेल में डाल के तलेंगे। आप चाहो तो इसका छोटे छोटे गोले भी बना के तल सकते हैं। बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके और एक समान रूप में तल जाए। वड़ा को मध्यम आंच पे ही तलना है। जब ये खस्ता और सुनहरा रंग में बदल जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा खस्ता रवा वड़ा तैयार है। सुबह की नाश्ता हो या शाम की चाय हो, जब भी आप इसे चाहे बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की ये मल्टीपर्पस इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी? तो चलिए आप भी इसे फटाफट से बनाइए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।